चलिए, हम लोग देख रहे थे रेट एज मेजर पढ़ रहे थे। यहां पर मैंने एक सवाल लिया हुआ है कि द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फर्स्ट ऑफ हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज व्हेन लेंथ ऑफ इट्स इज 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है एक क्यूब है जो कि उसका जो वॉल्यूम है वो 9 सेंटीमीटर क्यूब के रूप से क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो उसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज करेगा जब मैं उसका कितना लेंथ रेट जो लेंथ कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो सेंटर उसका सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे सवाल। तो सिंपल सा बात है, क्यूब का बात यहाँ पर आया है तो आप लोग जानते हैं क्यूब में क्या क्या होता है। एक क्यूब में क्या क्या होता है, मैं एक क्यूब का फिगर बना देता हूँ यहाँ पे छोटा सा। क्यूब का फिगर हो गया, ये सरफेस एरिया होता है, वॉल्यूम होता है, साइड होता है, एक्स तीन टाइप तीन चीज इसमें होता है। तो यहां पर हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लेट एट टाइम टाइम टी, सारा टी के रिस्पेक्ट में निकालना है मुझे ना, लेट एट टाइम टी। क्यों? क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो खुद क्या कर रहा है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, चेंज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसका एरिया कितना इंक्रीज करेगा जब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर कुछ सपोज करना पड़ेगा, वी बराबर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वी बराबर क्या सपोज कर लिया हमने, इसका वॉल्यूम। एस बराबर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एज ऑफ लेंथ, लेंथ ऑफ एज ऑफ सब क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ एज कितना हो जाएगा, ये लेंथ ऑफ एड्स नहीं, ये इसमें जरूरत था नहीं। हम लोगों ने क्या किया, एक टाइम के रिस्पेक्ट में इसको क्या, सारा चीज टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहा है। ध्यान देना यहाँ पे, टाइम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे, टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों, क्योंकि इसका वॉल्यूम खुद चेंज कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसका सरफेस एरिया कितना इंक्रीज करेगा जब इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो लेट एट अ टाइम टी हम लोग माने, वी बराबर क्या मान लिए, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब माने, एस बराबर सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब माने, एक्स बराबर लेंथ ऑफ द एज माने ना। उसके बाद इसमें गिवेन क्या दिया हुआ है, वो चीज हम लोग लिखते हैं ना, गिवेन में क्या दिया हुआ है, यहां पर रेट मान लिया। उसके बाद गिवेन में क्या दिया हुआ, गिवेन दैट वॉल्यूम का रेट दिया हुआ, वॉल्यूम का रेट दिया हुआ मतलब डीबी अपॉन डीटी दिया हुआ, वो इंक्रीज कर रहा है, इसलिए प्लस में लिखा, कितना दिया हुआ, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड दिया हुआ है, ये दिया हुआ। मुझे इसमें निकालना क्या है, सर्फेस एरिया निकालना है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, टू फाइंड डीएस अपॉन डीटी, कब, जब व्हेन एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। मैंने जो दिया हुआ था वो मैंने निकाल लिया, पहले जो लेट था उसको मैंने माना, जो दिया हुआ था उसको पहले लिखे नहीं, पहला काम हम लोग लेट किए, दूसरा काम जो दिया हुआ था उसको हम लोग उसको मान लिख दिए। अब मुझे अब फाइंड करना, अब इसमें जरूरत कौन चीज का है, इसमें दो बात आ रही है, एक क्या आ रहा है, सरफेस एरिया, एक वॉल्यूम। तो हमको लिखना पड़ेगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, क्यूब कितना होता है, v बराबर कितना होता है, एक्स क्यूब, एंड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब कितना हो जाएगा, कितना होता है, 6x² होता है, क्या ना होता है नहीं, जब मैंने साइड एक्स मान लिया है तो भुजा क्यूब होता है, 6 भुजा² होता है नहीं। तो अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे भाई, अब मेरे पास यहां पे इसे इक्वेशन 1 मानो, इसे इक्वेशन 2 मानो, नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू टी, इक्वेशन 1 को हम लोग टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिए तो मिलेगा डीवी अपॉन डीटी हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा, डी एक्स क्यू अपॉन कितना हो जाएगा, डीटी नहीं हो जाएगा। अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, बाय चेन रूल लगाएंगे नहीं, क्या हो जाएगा, क्या करेंगे हम लोग इसको, बाय चेन रूल से नहीं, 6 भुजा² होता है, यहां पे हम लोग क्या कर देंगे इसको, बाय चेन रूल से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डीवी अपॉन डीटी बराबर हो जाएगा डी एक्स क्यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और इंटू डी एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, डीटी, ये कितना हो जाएगा, 3x² x हो जाएगा, और इंटू डी एक्स अपॉन डीटी हो जाएगा नहीं। आप देखें बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं कि डीवी अपॉन डीटी का वैल्यू दिया हुआ, डीवी अपॉन डीटी का वैल्यू कितना, 9 दिया हुआ है ना,
दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, डीवी अपॉन डीटी का वैल्यू अगर थोड़ा देखिए ऐसे करें तो डीवी अपॉन डीटी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 9, ये 9 उतर जाएगा यहाँ पे, इसलिए यहां से मुझे डीएक्स अपॉन डीटी बराबर क्या मिल जाएगा, 9/3 x² नहीं मिलेगा, 3 से काट देंगे तो 3/x² ये क्या मिल गया मुझे, डीएक्स अपॉन डीटी मिला। अब ये डीएक्स अपॉन डीटी हम क्यों निकाले, इसका कारण अभी आगे पता चल जाएगा क्यों निकाला, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इसमें आगे हम लोग क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, आगे हम लोग इक्वेशन टू को हम लोग को टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना, तो क्या मिल जाएगा, डीएस अपॉन डीटी सरफेस एरिया होता है, और यहां कितना हो जाएगा, 6 x² अपॉन क्या हो जाएगा, डीटी, नहीं बाध्यन रूप से 6 dx² x डीएक्स के रिस्पेक्ट में जाएगा, और फिर से डीएक्स अपॉन कितना हो जाएगा, डीटी, बस ये डीएक्स अपॉन डीटी यहाँ पे जरूरत था, इसलिए हम लोगों ने डीएक्स अपॉन डीटी निकाला, कब, जब वॉल्यूम का रेट दिया हुआ था तो हमने क्या निकाल लिया, भुजा का रेट निकाल लिया, साइड का रेट निकाल लिया, और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 6 ये कितना हो जाएगा, 2x, और यहाँ पे डीएक्स अपॉन कितना हो जाएगा, डीटी, नहीं तो हो जाएगा 12x इंटू ये डीएक्स अपॉन डीटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/x² एक एक्स कट जाएगा, 12 × 36 और यहाँ कितना जगह x, नहीं x ना बचेगा, तो ds अपॉन dt, ये ds अपॉन dt, मुझे पूछा क्या जा रहा सवाल में, सवाल मुझे क्या पूछा गया था, सरफेस एरिया का रेट पूछ रहा था, क्या सरफेस एरिया का रेट, कब, जब when x बराबर कितना था, 10 cm, इसका मतलब ds अपॉन dt at x बराबर 10 cm बराबर कितना हो जाएगा, 36/ कितना जगह 10 काटेंगे तो 36. इतना cm² per second, चूंकि ये एरिया है, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर।